डॉक्टर पंकज बादल जी, आपसे मेरा सवाल ये है, अमरोहा की अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इसके पहले समय के साथ साथ कैसे बेहतर हुई हैं और क्या संभावनाएं आप देखते हैं अमरोहा में? धन्यवाद इंडिया न्यूज। अमरोहा क्योंकि एक छोटा शहर है, डॉक्टरों की कमी पहले से ही रही है और ज़्यादातर डॉक्टर सोलो डॉक्टर हैं जो अपने छोटे हॉस्पिटल चलाते हैं। क्रिटिकल मरीज हमेशा ही अमरोहा से निकल के मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली इस तरह से जाते रहे हैं जी। कोरोना के टाइम में काफ़ी दबाव था सरकारी सिस्टम पर भी और प्राइवेट सिस्टम पर भी, तो सर ने बताया विम्स यूनिवर्सिटी और मुरादाबाद में तीर्थंकर यूनिवर्सिटी को चार्ज दिया गया कोरोना का। तो जो भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता था यहाँ, उसको इन दोनों यूनिवर्सिटियों में शिफ्ट किया जाता था। हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर इस चीज़ को कोऑर्डिनेट किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी डेथ यहाँ पे हो जाए। इस चीज़ को बढ़ाया, जो हमारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स में हमने सुविधाएं बढ़ाईं, स्टाफ को और रिक्रूट किया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और उसी को लेके हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी सवाल से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल डॉक्टर देवल आपसे है, मुरादाबाद नज़दीक है, दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है यहाँ से, मेरठ भी बहुत दूर नहीं है, क्या वो स्थिति अब भी है कि जब पहले लोग बीमार होते थे तो बड़े शहरों तरफ भागते थे, अमरोहा में क्या स्थिति है, क्या अब यकीन करते हैं वो यहाँ की सुविधाओं पर या अभी भी उनका रुख बड़े शहरों की तरफ होता है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं आया है। हाँ, सुधार समय के साथ ज़रूर हो रहा है। अभी भी इतना अच्छा कोई हॉस्पिटल अमरोहा में नहीं है, जो टर्शरी केयर जिसको हम लोग कहते हैं, अभी अमरोहा में नहीं है। हाँ, यहाँ से मरीजों का बाहर जाना थोड़ा कम हुआ है। हम लोग भी इवन कोरोना काल में, मैंने खुद कोई छुट्टी नहीं ली, पूरा कोरोना काल मैंने किया है और काफ़ी क्रिटिकल केस हम लोगों ने अटेंड किए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली। हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं दो गज दूरी मास्क जरूरी, अब भी है तब भी था, और यही सबको ध्यान रखना है। चूंकि अब बजट की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य बजट में हेल्थ केयर के लिए 137% की बढ़ोतरी की गई है। और डॉक्टर सौभाग्य, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कोरोना महामारी के बाद आप स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके के बदलाव देखते हैं या फिर आप कैसा बदलाव आगे आने वाले दिनों में देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए थी हर हॉस्पिटल्स में, मिनिमम इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी, जैसे कोरोना केसेस में RT-PCR और एंटीजन जो टेस्ट होते हैं वो हमारे केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल थे। अमरोहा में ये सुविधा नहीं थी, RT-PCR के लिए हम सैंपल्स नोएडा भेजते थे, एंटीजन टेस्ट यहीं हो जाते थे, लेकिन अभी कुछ लैब्स को ये सुविधा प्रदान कर दी गई है। पैथकाइंड लैब में अब RT-PCR टेस्ट होने लगे हैं और आपके वेंकटेश में भी ये सुविधा मिल गई है। और इस जहाँ तक टर्शरी केयर का सवाल है, अभी यहाँ पे इतने मेडिकल कॉलेज या इतने अच्छे अस्पताल नहीं है, अमरोहा छोटा शहर है, लेकिन सेकेंडरी स्टेज पे हमारे यहाँ अमरोहा में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, खासकर प्राइवेट में, और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये डायलिसिस, डिजिटल एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन का भी CT स्कैन की सुविधा नहीं है, लेकिन बाकी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी वेल इक्विप्ड हैं। अगर ये बजट बढ़ता है तो मैं सरकार से ये अपेक्षा करूँगा कि और सुविधाएं बढ़ाएं, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ज़्यादातर जो सुविधाएं दी जा रही है, अभी कोरोना वैक्सीनेशन में सारा फंड्स यूज़ हो रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन हेल्थ लाइन वर्कर्स का हो चुका है और फ्रंट लाइन वर्कर्स सेकेंड स्टेज में चल रहा है। इसमें पुलिस है, प्रशासन, पंचायती राज, नगर पालिका के स्टाफ का वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा, इससे हमारे प्रोटेक्शन मिलेगी, एंटीबॉडीज बढ़ेगी बॉडी में, तो कोरोना इन्फेक्शन और कम हो जाएगा।